साथ में रखो तो। हाँ ऐसे कैसे, उधर को मुझे मत देखो, मैं पाऊ पाऊ की दिखी बार बार करूँ। पहले गेट से प्रवेश मैं भी कर चुका हूँ और बर्जी का दूसरा गेट था तो बराती का बाकी अदर बराती का दूसरा गेट था तो यहाँ पर बरात जो है खाने में लग चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो सब खाने पर टूट पड़े हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ काफ़ी धूप है, इस धूप में तो जो भी है थोड़ा बहुत सभी सारे लोग ले रहे हैं। और नून मिर्च सेहरा सेवरा नमक मिर्च सेवरा फर्स्ट क्लास खाना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पानी ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से प्लेटें ली जाएंगी और यहाँ पर गिलास जो है अलग अलग किए जा रहे हैं, गिलास लेंगे। ये गुलाब जामुन का आप यहाँ पर रस पी सकते हैं, गुलाब जामुन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई क्या बोलते हैं उस्ताद है? इसका नाम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो उस्ताद हैं बना तो रहे हैं लेकिन इनको इसका नाम पता नहीं है कि क्या है। तो एक्चुअली पाव भाजी, हाँ तो पाव भाजी ये बोलो ना। तो यहाँ पर पाव भाजी रेडी हो रहा है और ये यहाँ पर राइस देख लीजिए और यहाँ पर दाल बनी हुई है। खूब बढ़िया भैया जी, से हो रहा है खाना, से हो रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पूरी गर्मा गर्म पापड़ मिल सकेंगे आपके यहाँ पे मिक्स वेज विद पनीर के साथ और रोटियाँ भी यहाँ पर बनाई हुई हैं। कुछ कुछ लोग राइस पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर रोटियाँ बनी हैं। ये पनीर की सब्जी आप देख पा रहे हैं और ये देखिए नमक भी रखा है क्योंकि नमक का टेस्ट लोगों का अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर रायता बना हुआ है। और ये देखिए ग्रेवी यहाँ पर शायद ये कड़ी बनी हुई है यहाँ पर फैसला और फिर यहाँ पर राइस, क्योंकि बहुत लोगों का राइस कम हो जाता है तो वो यहाँ से दोबारा यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप पॉपकॉर्न ब्लॉग के माध्यम से ये सारे कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ पर पॉपकॉर्न भी बना हुआ है, पॉपकॉर्न मशीन लगी हुई है तो खाने के बाद आप पॉपकॉर्न यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर सब घराती और बराती इकट्ठे हो चुके हैं और लंच जो है यहाँ पर ले चुके हैं, टेबल में खाना परोसा गया है सभी लोगों के लिए और वहाँ से प्लेट पकड़ के टेबल में यहाँ पर खाना परोसा गया है सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर कर चुके हैं दुल्हन पक्ष से, तो वहाँ से खाने की प्लेट लेके आप यहाँ पर आराम से टेबल में खाना खा सकते हैं। सेहर नमक मिर्च से हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ तो खाना बेहतरीन बना हुआ है दगड़ियों। एक लड़की को विदा करने में बाप का क्या महत्व रहता है और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है तो वो हम लोग जानते हैं। लंच ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ लोग अपना डांस करके एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा मन का कार्यक्रम होने लग गया है तो बढ़िया अपने गंतव्य में पहुंच चुके हैं और बेसब्री से दुल्हन का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। दगड़ो इसके बाद जस्ट अब थोड़ी देर बाद दुल्हन जी आएंगी और हमारे भैया को जयमाला कार्यक्रम पर, और अभी हमारी बहू रानी आएगी और जयमाला कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो या उनके रिलेशन वाले अपने तरफ से दहेज देते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है तो बेहतरीन दहेज यहाँ पर दे रखा है। नमस्कार नमस्कार मित्रों नमस्कार। तो ये है बेड वेड और यहाँ पर छोटे गिफ्ट रखे हैं। तो आज की डेट में दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए वर्जी को, जो भी मिलता है उसकी किस्मत को वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा दहेज दुल्हन होता है, अगर दुल्हन उसके जीवन में खुशहाली लाए तो उससे बड़ा दहेज कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी है उनके घर वालों ने अब दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी में भी माल्यार्पण किया, आई थिंक गाड़ी भी यहाँ पर जो है दहेज में दे रखी है और ये यहाँ पर अलमारी लगी हुई है। फाइनली मेरा भी नंबर खाने का आ चुका है, सभी लोगों को मैं पहले शिफ्ट में खाने देता हूँ क्योंकि वीडियो बनानी होती है। तो कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसे भी होता है तो जैसे भी है एक्सेप्ट करना पड़ता है। खाना है पप्पू ब्लॉग से पप्पू वाले पप्पू दा डाल दीजिए, हाँ इसे ऊपर ही डाल दो कोई भाई, राइस और डाल दो मैं और चीज़ नहीं खाऊंगा। तो दगड़ो मुझे खाने में यहाँ जो पकवान बनाया वो सब कुछ हजम नहीं कर पाता हूँ, केवल राइस सादा और दाल ही लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर दोबारा मैंने राइस रखवा दिया है जितना मेरी कैपेसिटी है उस अनुसार, तो पूड़िया वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर भरी हुई है। पहले यहाँ पर मेरे छोटे मामा भी खाना खा रहे हैं और उनके साथ मैंने भी ये ले लिया है। तो सादा चावल लेता हूँ मैं और दाल लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं खाता हूँ। ये भी मामा जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये देखिए इतना बड़ा पेट हो गया और दोबारा इन्होंने ले लिया। कितने दोबारा है थाली, कितने बार है? पांचवी बार है। पांचवी बार नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट बार ही लेता है, इतना बेसन भी कोई नहीं होता आज के डेट में। तो इनके तो हेल्थ वेल्थ जो है काफ़ी अच्छी खासी है क्योंकि खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी डिश बनी, जस्ट जयमाला कार्यक्रम होने वाला है तो यहाँ पर दुल्हन आ चुकी है और दूल्हे राजा दोनों यहाँ पर आप साथ देख रहे हैं। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पर दुल्हन दूल्हे को जयमाला कार्यक्रम पे आगाज हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, पप्पू ब्लॉग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दाम्पत्य जीवन की।
ओम स्वाहा ओम प्रजापति स्वाहा प्रजापति। हाथ है कभी अनबन होगी तो छोड़ दूँ, ऐसा नहीं कह पाएगा। ठीक है बेटा, दूसरे हाथ से कोहनी पर लगाओ, तो कोहनी पर लगाओ बेटा। हाँ, आप बोलेंगे मुंह से ओम गर्वणी ते सौभाग्यगत्वा हस्तम मया पत्या दृष्टा भगो अर्म्या सविता पुरंदी मेहमम त्वा दुर्गा पत्या देवः। अभी नहीं, अभी तो जगह था। ऐसे करके, ऐसे हाथ छोड़ना नहीं है तुमने, समय का अनुकूल है। यहाँ पर उन्होंने कहा, वरनारायण जी ने कहा, हे कन्या मैं तेरे हस्त को ग्रहण करता हूँ अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी कुल की वृद्धि के लिए। तेरे हस्त से मेरे घर में अंधन का भंडार हो, दूध पूध से घर भरा रहे, सदा मैं तेरे हस्त को ग्रहण करता हूँ। फिर तुम बोलती हो, आप क्या कहती हो, बोलोगी ओम ममेशु कोश्या मेहमम त्वदात बृहस्पति मया पत्या। तुमने भी कहा जिस बृहस्पति परम परमात्मा ने आपको मेरे अनुकूल भेजा है, आप मेरे लिए 100 साल जिए गए, 100 साल से भी अधिक उम्र हो आपकी कह रही है, और 100 साल से भी अधिक मेरी सेवा करेंगे। करेंगे ना सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसी खड़े रहेंगे। कन्या की माता जी चले जाए, ऐसी कर चुकी हूँ, तुम गृहस्थी में जा रही हो, गृहस्थी में काफी उतार चढ़ाव संघर्ष है, पर इन संघर्षों को नकारते हुए जिस तरह अटल ये धर्मशिला के तरह मैं अटल रही और गृहस्थी को आगे बढ़ाया, आज से तुम भी अपनी गृहस्थी में एकाग्र मन लगाकर कई जो भी जितने भी संघर्ष आए उनको टालते हुए अपनी गृहस्थी में मन लगाना और ये धर्मशिला के तरह अटल रहना कहा, और हमारी लाज रख देना कहा। पैरों में हाथ रख दिए मम्मी, हमारी लाज रख देना कहा। कभी कोई माँ बेटी की पैर नहीं छूती है, अभी अपनी खुद के लिए अपनी उसके लिए तुमसे कह रही है बेटी हमारी लाज रख देना और इस अटल धर्मशिला की तरह अटल रहना कह रही है। ऐसी अपने दामाद के पैर भी लाओ, तो कहा बेटा जिस तरह मेरी नादान बेटी मैं तुम्हें दे रही हूँ, कभी इसके कहने से भूल तुझे कोई गलती हो जाए माफ कर देना, ताकि हमारे दोनों घरों की लाज बना रहे। उनको नकारते हुए उनकी गलतियों को माफ करते हुए गृहस्थी को आगे बढ़ाना और हम दोनों परिवार का लाज बचा रहे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बना रहे, ये हमारी लाज। में पैरों में हाथ रखती हूँ तुम्हारे, साथ कभी पैर नहीं छूती। ओम अरविणम देवम कन्याकिश्रम स्वनर्विणम देवापृते मंजुष्मापते स्वाहा। छोड़िए इसमें छिटकते हुए, दोनों हाथ लगाओ, कन्या दोनों हाथ लगाएगी। पितृभ्यां पति लोगो निष्ठानम दीक्षानम कन्या उदरतम ते स्वाहा। चलो चलो, लंबा लंबा कदम रखो, फिर दो छिटक दो, फिर छिटक दो, जो बचा है तुम्हारा छोड़ दो, फिर भाई से फिर लो। ओम सरस्वती प्रेमात्मग्नम वंचिते यतानं विस्मिते भूतेश्यं पञ्चाभ्यायचनं मुद्रं वङ्गसमोदे नित्यानं विस्मितनं जगतं तामं गतं गच्छामि तत्रणं विन्यतां। तो तगड़ा फाइनली यहाँ पर शादी की रस्म है, कस्में पूरी किए जा रही है अभी, और यहाँ पर दोनों पंडित वर पक्ष से और वधु पक्ष से दोनों मंत्रण कर रहे हैं, और मैं आपको पप ब्लॉग के माध्यम से सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो घर में पहुंच चुके हैं, दुल्हन आ चुके हैं, और जो रस्में कस्में होती है बहनी चलती है, तो यहाँ पर अभी बहनी चल चुकी है आप देख रहे हैं। तो तगड़ा पहाड़ों में ऐसा संस्कृति बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर अभी मैं काशीपुर में हूँ, और काशीपुर में ये परंपरा चल रही है, जैसे ही दुल्हन घर में प्रवेश करने को आती है तो उससे पहले यहाँ पर झोड़ा चाचरी का नृत्य चलता है, तो यहाँ पर ये चल चुका है अभी। तो देखो पंडित जी है, तो शंखनाद हो चुका है, मतलब हम आपके आंगन घर आंगन में पहुंच चुके हैं, ये इसका मतलब होता है।
आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।